अभी मैं मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। देखिए हाल फिलहाल हिसार में हूँ और मेरे बिल्कुल बैक साइड में आप देखने लग रहे होंगे शांति मिशन हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है शांति मिशन और एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस चल रही है। मामला क्या है, कहाँ से आए हैं एम्बुलेंस वाले, किस तरह के पेशेंट ले रहे हैं, एक बार दोनों एम्बुलेंस वाले एक बार मेरे पास आ जाओ भाई जो ये एम्बुलेंस अड़ रही है। आप ड्राइवर हो? हाँ जी। आप भी ड्राइवर हो? राम राम भाई। नाम क्या है? संजय भाई। संजय भाई आप इस एम्बुलेंस को भगा के यहाँ क्यों लेकर आए और किस तरह का पेशेंट लेके आए हो? भाई मैं रोड साइड एक्सीडेंट लेके आया। अच्छा, हालत किसी है? गंभीर है फिलहाल। गंभीर है, फिर यहाँ क्यों लेके आए? भाई यहाँ 6-7 महीने से देख रहे हैं, डॉक्टरों का रिजल्ट अच्छा है, अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ लेके आ रहे हैं। लग गया, जिंदगी बचा ले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दौरा नहीं इसमें। इसे बात कर लूँ? हाँ जी बिल्कुल। भाई आइए, क्या नाम है भाई जी? विनोद नाम है। विनोद जी कहाँ से हो आप? जींद से। जींद से, और यहाँ रहते हो? जींद रहते हो। जींद से यहाँ मतलब वो पेशेंट लेके आए? पेशेंट लेके आए। किस तरह का पेशेंट था? पॉइजन पेशेंट, मतलब जहर खा रखा है। जींद और आड़ा शांति मिशन में लेकर आया, उड़े नहीं लगा था, बच जाएगा? आड़े बच जाएगा? हाँ, दो ही सेंटर है, उन्होंने दोनों ने रेफर कर दिया था हिसार के लिए। डॉक्टर साहब का इसमें रिजल्ट अच्छा है, पॉइजन केसेस काफी आए हमारे जींद से रेफर होकर। आपको लगा जिंदगी बचा लेंगे? तो काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 6-7 महीने से। अंदर आ जाओ भाई, इनू का आग्रह, डॉक्टर भगवान का रूप है। इस एम्बुलेंस में जो पेशेंट आया वो एक्सीडेंटल केस है और काफी क्रिटिकल हालत है उसकी, और इस एम्बुलेंस में जो पेशेंट आया है वो पॉइजन केस है, यानी कि उसने जहर खा रखा है। और यो भाई जींद ते अरे सार ले आया एम्बुलेंस ड्राइवर नु कह है कि यहाँ जो डॉक्टर है वो भगवान का रूप है और उनको जिंदगी देने लग रहा है। अंदर आ जाओ, मैं डॉक्टर ते मिलवा दू, पूरा हॉस्पिटल घुमा दू। अंदर आ जाओ भाई। राम राम भाई। राम राम। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। डॉक्टर कहाँ मिला घर है भाई? डॉक्टर कौन से रूम में है? इस वाले रूम में। सीधे डॉक्टर दो रहे छापा मार दे हैं, डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं शायद। हेलो सर, राम राम सबको। नमस्कार जी। सर मैं थोड़ा टाइम ले लूं आपका? प्लीज जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चाहूंगा एक बार हम आपका शुभ नाम जानना चाहे हैं डॉक्टर। मैं डॉक्टर बीर सिंह यादव, मैं न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ और पिछले करीबन 20 साल से, 2 दशकों से हिसार वासियों की सेवारत हैं और मेरी स्पेशलिटी है न्यूरो साइकियाट्री। इनफैक्ट मनोरोग विशेषज्ञ के अलावा हम यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहे हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं। वी आर एवर रेडी 24/7 रेडी टू टेक किसी भी तरह की इमरजेंसीज, पॉइजनिंग, ट्रॉमा, रोड साइड एक्सीडेंट्स, बर्न्स केसेस आ रहे हैं। वी हैव गॉट अ वेरी साउंड टीम ऑफ मल्टी स्पेशलिटी फैकल्टी, जिसमें के रोड साइड के लिए हमारे पास रात के 3 बजे भी अगर एम्बुलेंस आती है। डॉक्टर साहब आपको थोड़ा डिस्टर्ब रोकना चाहूंगा, अभी बाहर 2 एम्बुलेंस खड़ी हैं। एक एम्बुलेंस आई है जींद से, राइट राइट, और एक कोई रोड एक्सीडेंट लेके वो फिलहाल, और उन दोनों की हालत क्रिटिकल है। जी, वो आपके अंदर मुझे लग रहा है कि इमरजेंसी में जो आईसीयू जो वार्ड है वहां पे होंगे। सर वो जो एक्सीडेंटल केस पे हम पहले बात कर लेते हैं, कोई भी एक्सीडेंट केस है तो वो मतलब उस पर ये नहीं कह सकते भाई उसकी हालत ये है, वो किसी भी हालत में आस्क है, मतलब कति सीरियस आस्क है, उसका चोट फोट जो भी है वो ज्यादा होस्क है, उसके माइंड में चोट होस्क है, उसकी चेस्ट में चोट होस्क है, हाथ पैर कटे होस्क है, कुछ भी होस्क है। तो सर वो यहाँ क्यों आए, मतलब शांति मिशन हॉस्पिटल ही क्यों? इसार तो हब है हॉस्पिटल, राइट? बहुत अच्छा सवाल किया मोगरा साहब आपने। इनफेक्ट देखो मैं एक ही खूबी अपने हॉस्पिटल की बताना चाहूंगा कि हम यहाँ इसको एक शांति मिशन हॉस्पिटल नहीं, शांति मिशन परिवार के रूप में काम करते हैं, क्योंकि 24/7 हम किसी भी तरह का रोड साइड एक्सीडेंट हो उसको लेने में और एडमिट करने में और ऑपरेशन और सक्सेसफुल ऑपरेशन और ट्रीटमेंट और मरीज को ठीक करके भेजने में सक्षम है। नहीं वो तो बात नहीं है ना जी, अगर थोड़ी सी इमरजेंसी लगी, थोड़ी सी दिक्कत लगी तो भाई ले जाओ कहीं और, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं पिछले ही महीने का उदाहरण दूं, 8 से 10 हम रोड साइड एक्सीडेंट कवर कर चुके हैं। मल्टी स्पेशलिटी टीम रोड साइड एक्सीडेंट होके आता है, अभी 3 पेशेंट तो बिना हेलमेट के और बाइक एक्सीडेंट, सेफ्टी मानने है, मतलब अगर कोई भी इस तरह से कोई दिक्कत हो रही है, कोई भी रोड एक्सीडेंट है या कोई पॉइजन केस है, तो क्यों और क्यों
इतनी सेफ्टी माना है कि वो शांति मिशन हॉस्पिटल हिसार में आए। देखो परसेंटेज में कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, जैसा आपने भी खुद ही कहा कि ये पेशेंट बड़े क्रिटिकल होते हैं और इसमें तो सिचुएशन ये होती है कि आया राम गया राम, क्योंकि पेशेंट कभी भी दम तोड़ सकता है। मगर हाँ मेरे के पास क्यों है, क्योंकि न्यूरो सेक्रेटरी, न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन स्पेशलाइज न्यूरो विंग है। किसी भी रोड साइड एक्सीडेंट में तीन फैकल्टीज बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक तो रीढ़ की हड्डी है सर्जरी, नंबर दो पे ऑर्थोपेडिक्स और नंबर थ्री न्यूरोसर्जन। तीनों हमारे पैनल पे हैं इंक्लूडिंग मी, मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है दिल्ली से न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जरी का भी इवन। तो हम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी देखे, मेरे पास तीन एमओ है, राउंड द क्लॉक आईसीयू रन करता है और करीबन 40 का स्टाफ है, तो वो जो तत्पर रहते हैं कि कभी भी कोई इमरजेंसी है तो डील कर पाए। कितने तत्पर रहते हैं? हम 100% तत्पर है, मैं कहना चाहूंगा जनता को। एक्सीडेंट टाइम देख के नहीं होता, पॉइजन कोई टाइम देख के नहीं खाता, या कोई और भी क्रिटिकल हालत टाइम देख के नहीं होती, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे। मैं एक जानकारी दूं कि मैं मेरा शेड्यूल खुद का बताऊं तो एज डायरेक्टर शांति मिशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैं सुबह 9 बजे से और रात के 12 बजे तक तो खुद अवेलेबल होता हूँ, और 12 के बाद भी कभी मैं 3 बजे दौरा कर लेता हूँ, कभी 2 बजे, कभी 5 बजे। तो ये हम एटलीस्ट मेक श्योर करते हैं कि हमारा स्टाफ राउंड द क्लॉक जग रहा है, राउंड द क्लॉक अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक एक नहीं तीन स्टाफ हमारे काउंटर पे रहते हैं रिसेप्शन पे रात में, जस्ट रेडी टू टेक एनी कॉल। सर मैं एक मेरा एक अजीब सा सवाल, मेरा दिमाग ऐसा है, मैं कुछ भी पूछ लिया। नहीं, मोस्ट वेलकम। जब एक डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा होता है, कई बार कुछ ऐसे पेशेंट आ जाते हैं तो डॉक्टर भी बोले हैं भाई नहीं बचेगा, किसी भी हालत में चाहे वो किसी भी तरह का पेशेंट है, डॉक्टर बोल देते हैं नहीं बचेगा। क्या कभी आपने भी कोई ऐसा चमत्कार उस परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से ऐसा देखा है कि आपको भी लग गया होगा वाह भाई है भगवान? देखो डेफिनेटली हम लोग अगर कहें कि हम डॉक्टर हो गए तो खुदा हो गए या जान ले सकते हैं या दे सकते हैं, तो ये तो गलत हो। और हम डायरेक्ट ओटी आए हैं। और सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर क्या नाम आपका, परिचय दो। मेरा नाम है डॉक्टर कुलभूषण डांडा। जी जी, मैं यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट और आईसीयू इंचार्ज हूँ। सर आपकी तो फिर सबसे अहम जिम्मेवारी होगी। हाँ जी, सबसे मजबूत कड़ी इस हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। तो सर जैसे नीचे एम्बुलेंस वाले बोले कि जो भी इस तरह की हालत वाले पेशेंट आओ डायरेक्ट, वो तो फिर आईसीयू में आते होंगे। हाँ, सबसे पहले हम उनको इमरजेंसी में असेस करते हैं। अगर हमें लगता है कि इमीडिएट उनको जरूरत है या जरूरत पड़ सकती है आने वाले टाइम में, तो उनको आईसीयू में हम शिफ्ट कर देते हैं। सर डॉक्टर डांडा, सर क्या गारंटी है कुछ परसेंट इस हॉस्पिटल में अगर कोई भी इस तरह से क्रिटिकल हालत वाला पेशेंट आवे, पॉइजन वाला आवे, टूट फूट वाला आवे, रोड साइड एक्सीडेंट वाला आवे, तो कुछ लागे है कि उनकी जिंदगी बच जाएगी? बिल्कुल है जी, और इसी उम्मीद के सहारे ही काम चलता है। और यहाँ पे आते हैं तो जो बेस्ट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, इमीजिएटली हम उनको असेस करते हैं। कोई उनको ट्यूब डालनी है, चेस्ट में ट्यूब डालनी है, या एंडोट्रेकियल इंटूबेशन करनी है, वेंटिलेटर पे लेना है, उनका सांस नहीं चल रहा, या उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है तो उसका ब्लड प्रेशर चेक करना, ब्लड का इंतज़ाम करना, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है जी। और सर ये क्या चल रहा है? ये यहाँ पे ये हमारा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है जी। इसके अलावा कोई और ओटी भी है? हाँ, दो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे, और एट ए टाइम हम दो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं एक टाइम में। एक टाइम जी। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, शॉर्ट और क्रिस्प है जी। इसका नाम है ईसीटी, इंग्लिश में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं, हिंदी में दिमागी सेक बोला गया है। इसमें सिर्फ पेशेंट को, डॉक्टर साहब हमारे सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं, उन्होंने निश्चेतन दिया। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट अभी रिलैक्स्ड है, बिल्कुल इंड्यूस्ड और रिलैक्स्ड, यानी मरीज को कोई इसकी पेन और मेमोरी नहीं होती। और इसमें हम एक सेकेंड के लिए ये एक माइल्ड मतलब हल्का सा स्टिमुलस देते हैं,
और उसके दौरान पेशेंट को कुछ नहीं पता चलता, ना कोई दर्द है ना मेमोरी है, और एक सेकंड के लिए मैंने अभी स्टिमुलस दिया, और इसका पर्पज क्या रहता है कि इसमें हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं पेशेंट को सीजर, ताकि पेशेंट को हल्का सा दौरे की फीलिंग आने के बाद पेशेंट इस प्रक्रिया के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और उसका मानसिक रोग एकदम दुरुस्त हो जाता है। ये बहुत ही छोटा प्रोसीजर है, मगर इसका चैलेंज क्या है, ये है कि इसमें एज ए टीम हम काम करते हैं, और अहम रोल एनेस्थीसिया क्यों है, क्योंकि जीए का जो प्रक्रिया है वो हमें 5 मिनट के अंदर ही पेशेंट को इंड्यूस भी करना है और उसको होश में भी लाना है। ये डेफिनेटली चैलेंज है, ये एक्सपर्ट हाथों में ही हो सकता है। हमारे सीनियर एनेस्थेटिस्ट और मैं, हम पिछले 25 सालों से ये प्रक्रिया रेगुलरली दे रहे हैं और हजारों नहीं लाखों की तादाद में मरीजों का इस प्रक्रिया के द्वारा, इसमें 1% भी डेंजर जोन नहीं आता कहीं, बिल्कुल अगर सेफ हाथों में, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ही संभव है।